धवल, आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल हूं धवल पे। आज हम बात करेंगे अपने अशांत मन को शांत कैसे करना है। जी हां दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आपका जो अशांत मन होगा वो शांत हो जाएगा। तो क्या है ये फॉर्मूला, वीडियो को अंत तक देखिए, शायद ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन अपनी लाइफ में आपने उसे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। तो ये फॉर्मूला पूरा जानिए, गौतम बुद्ध की ही एक कहानी लेंगे आज हम, और अशांत मन को शांत कैसे करना है वो जानेंगे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक तालाब के नजदीक विहार के लिए निकले। जी हाँ दोस्तों, वो विहार करते करते अचानक उन्हें तरस लग गई। जी हाँ दोस्तों, उन्हें पानी पीना था तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बोला कि बाजू में आए हुए तालाब से थोड़ा पानी लेके आओ। वो शिष्य तुरंत वहां गया और वहां जाके जब वो पानी लेने जाता था तभी उसने एक बैलगाड़ी को तालाब में से निकलते हुए देखा। अभी जब ये बैलगाड़ी पानी में से निकल रही थी तो बैलगाड़ी के टायर में जो कालव लगा था उससे पूरा तालाब गंदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, अब ये तालाब गंदा हो गया तो ऐसा पानी तो वो शिष्य अपने गुरु गौतम बुद्ध को पिलाएगा नहीं, तो वो तो फिर वापस चला गया और गौतम बुद्ध को पूरी बात बताई कि मैं तालाब में पानी लेने तो गया था लेकिन जो बैलगाड़ी था उसके कारण पूरा का पूरा तालाब गंदा हो गया, तो ऐसा पानी तो मैं आपको पिलाऊंगा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद गौतम बुद्ध ने फिर उस शिष्य को कहा, जाओ मेरे लिए पीने के लिए पानी उसी तालाब में से लेके आओ। शिष्य फिर से वहां गया, फिर से वहां उसने देखा तो तालाब अभी भी गंदा ही पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, तालाब में अभी भी बहुत ही गंदगी थी और ऐसा पानी वो अपने गुरु को नहीं पिला सकता। वो दोबारा गया और दोबारा बोला कि अभी तक पानी अच्छा हुआ नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर बाद एक बार फिर से उसको भेजा शिष्य को। शिष्य वहां गया, फिर से पानी गंदा था, शिष्य वापस आ गया। तकरीबन ऐसा 7-8 बार हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध ने फिर से कहा कि जाओ अब मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे बहुत तरस लगी है। तो वहां वो शिष्य गया और देखा कि सारी जो गंदगी, जो माटी की गंदगी थी वो सब नीचे बैठ गई है और अच्छा पानी ऊपर आ गया था। जी हाँ दोस्तों, वो शिष्य चौंक गया और उसने झट से वो अच्छा पानी बन गया था उसका, उसने गड़े में पानी भर लिया, जो मटका लेके आया था उसमें उसने पानी को भर दिया। फिर वो गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध ने पानी पी लिया। तो फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को पूछा कि तुमने पानी चोखा कैसे किया, तुमने पानी को शुद्ध कैसे किया। तो वो शिष्य ने बताया कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो गंदगी थी, जो मिट्टी थी वो अपने आप पानी में बैठ गई और अच्छा पानी ऊपर आ गया, तो मैं पानी भर के आ गया। तो गौतम बुद्ध ने भी यही कहा कि जब आपका मन अशांत हो तभी भी आपको कुछ करना ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठ जाओ, अपने आप को अशांत मन में जो भी हुआ होगा वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, कोई दलीलबाजी नहीं करनी है, आपका अशांत मन अपने आप शांत हो जाएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा फॉर्मूला आपकी लाइफ में हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी ये कहानी, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हूँ धवल।